बहुत आभारी हूँ श्री जितेंद्र महाजन जी का कि उन्होंने आज मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में आमंत्रित किया है। वो निरंतर क्षेत्रवासियों की सेवा में लगे रहते हैं और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उनको स्वस्थ और लंबा जीवन प्रदान करें। और जैसे मैंने अभी अपने छोटी सी तकरीर में ये बात कही भी है कि मेरा 51 साल का राजनीतिक जीवन है और 1993 से मैं दिल्ली विधानसभा में हूँ। मैंने पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री से लेके और जो आज के मुख्यमंत्री हैं, इन सभी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। लेकिन जहाँ तक एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जितेंद्र महाजन जी को देखता हूँ, इनका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, पूरी दिल्ली के पास नहीं है। विधानसभा का जब सेशन होता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिस ईमानदारी के साथ, जिस मजबूती के साथ ये सरकार के समक्ष रखते हैं, तो मेरे जैसे व्यक्ति का भी, क्योंकि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी हूँ, तो मेरा मन भी गदगद हो जाता है। और जब इनके क्षेत्र से ये जानकारी आती रहती है कि श्री जितेंद्र महाजन जी सेवा के कार्य में निरंतर जुटे हुए हैं अपने तमाम साथियों के साथ, चाहे वो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे कार्यकर्ता हों, कहीं वो राशन बांट रहे हैं, कहीं वो सैनिटाइजर बांट रहे हैं, कहीं वो दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं, कहीं वो काढ़ा उपलब्ध करा रहे हैं, कहीं वो पका पकाया भोजन भेज रहे हैं, कहीं वो राशन की किट देकर आ रहे हैं। जब इस तरह की जानकारी आती है तो खुशी होती है। और मैं एक बात और आज आपको इस मौके में बताना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली भर के लिए हमारी पार्टी की ओर से ये व्यवस्था की गई कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, कोई कोरोना से पीड़ित है या दिहाड़ी मजदूर हैं, उन जहाँ से भी मांग आए कि उनके पास खाने पीने की कमी है या दवाई की उनको आवश्यकता है, तो पूरी दिल्ली भर से, प्रदेश के पास कहीं हर विधानसभा से लोगों ने मांग की। लेकिन रोहतास नगर ऐसा क्षेत्र है कि रोहतास नगर के लोगों ने कभी भी दिल्ली प्रदेश से या हमारी जो ऑल इंडिया पार्टी है, जो भी सेवा के काम में लगी हुई है, कभी इस क्षेत्र के लोगों ने प्रदेश से ये आग्रह नहीं किया कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है। पार्टी द्वारा जो मंत्र दिया गया कि सेवा ही संगठन है, और पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो निर्देश दिया गया कि हर जरूरतमंद की मदद की जाए, आज उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम हम लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित किया। अपने क्षेत्र के ऐसे 200 जरूरतमंद परिवार जो कोरोना काल में कहीं ना कहीं परेशान थे, जिनके पास राशन कार्ड की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसे 200 परिवारों को आज हमने, जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण का कार्यक्रम किया। मुझे लगता है कि आज के पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा के दिन इससे अच्छा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि हमारी रोहतास नगर विधानसभा में ही ऐसे इतने दानदाता हैं, ऐसे समाज की चिंता करने वाले लोग हैं, तो बाहर से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो इस क्षेत्र की आवश्यकता है वो यहीं से पूरी हो जाती है। इसके लिए मैं इस क्षेत्र के दानदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से रोहतास नगर और हमारे ज़िले में सेवा और दानदाताओं की कमी नहीं है, इसमें कोई दोराई नहीं है। यहाँ पर सम्मानित लोग रहते हैं जो लोगों की जरूरत करना जानते हैं, मानवता को जानते हैं, जानते हैं कि दर्द क्या होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने पीड़ा भी सही है और आनंद भी सहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग एक दूसरों की खुद स्वयं मदद करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ विधायक जी से या अन्य भाजपा के कार्यकर्ता उसमें तत्पर रहते हैं।